तो बच्चों, देखते देखते जो ये एडवांस का दिन बहुत पास में आ गया। काफ़ी लंबा टाइम से हम इसका वेट कर रहे थे, और अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि लास्ट के 4 डेज में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी तरफ से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द जेई एडवांस 2022, और आई विश कि आप सभी लोग अपनी बेस्ट कैपेसिटी से, बेस्ट एनर्जी से, और जितनी आपने हार्डवर्क की है उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। और आई बिलीव कि आप सभी लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की है और उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलना ही होगा। अब लास्ट के 4 डेज में क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मेरी तरफ से पर्सनली कोई सजेशन नहीं है। इन 4 डेज में एक चीज़ मानकर आपको वर्क करना है कि अब इन 4 डेज से आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी जेई की रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने ऑलरेडी 3 ईयर्स से, 4 ईयर्स से जो हार्ड वर्क किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं, यू शुड बिलीव कि उन सब का रिजल्ट ही आपको रिफ्लेक्ट होगा जेई एडवांस के दिन। लास्ट के 4 डेज आपको रिलैक्सेशन के लिए देने चाहिए। पर्टिकुलरली कोई पेपर आप मत सॉल्व करिए, वो चीज़ें करिए जिससे आप हैप्पीनेस फील कर सको और अंदर से कूल रह सको। अगर आपको लगता है कि बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर आपको टेंशन होती है तो मत करिए। इफ़ यू कैन फील कि नहीं, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से या रीडिंग करने से आई रिमेन कूल, तो वो करिए। मतलब वाट एवर यू फील बेस्ट फॉर योर सेल्फ यू डू। इन 4 दिन में केवल आप ये देखिए कि अपने आप को एनर्जेटिक, कूल, काम कैसे बनाए रखें। याद रखिए कि केवल जो डे टाइम है आपका, जिस पर्टिकुलर टाइम में, टाइम स्लॉट में आपको मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर शाम को 5:30 बजे तक फिट रहना है, उसमें आप एक्टिविटीज़ चाहे से रीडिंग की करिए, चाहे से जो भी आपको एक्टिविटी लग रही है, लाइक पहला जो स्लॉट है 9 to 12, उसमें आप एक्टिव रहने की कोशिश करिए। बैठ के चाहो तो आप अपना जो भी बेसिक रिविजन्स है वो करिए। याद रखिए, रिवीजन अभी वही करिए जो आपके बेसिक्स हैं। बेसिक्स के बाहर कुछ भी आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, उन सबको रिवीजन मत करिए इस वक्त। जो आपने कर रखा है वो मोर देन सफिशियंट है। सुबह या शाम में आप थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। ड्यूरिंग द मेडिटेशन यू सी कि आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, उन सारे एग्जाम में कुछ दिन आपका मूड स्विंग किया है, कुछ दिन किसी आपकी तबीयत ठीक नहीं रही है, उस दिन आपका एग्जामिनेशन हॉल में कोई डिस्टरबेंस था, तो इन सारी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या नहीं किया, उन पर सोचने की कोशिश करिए। इट माइट पॉसिबल कि जेई एडवांस के दिन भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। आई विश कि ना हो, पर ऐसा हो सकता है कि आपके 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स वेस्ट हो जाएं। पर यू शुड थिंक कि क्या 2 आवर 50 मिनट्स में भी वो पेपर उसी लेवल पे हो सकता था जो 3 आवर में हो सकता था। उसको हम प्रेस्टीज का इशू ना बनाएं। अगर ऐसा हो भी गया है और वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो फिर हमें देखें कि जो हमारे पास में टाइम है उसमें हम बेस्ट कैसा करें। पैनिक ना सिचुएशन क्रिएट करें अपने लिए, क्योंकि पैनिक में आपकी पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है भी तो अपने माइंड को कूल रखें। जो टाइम आपके पास में अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना सीखें। आसपास के एनवायरनमेंट से डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त भी कोई पैटर्न ऐसा होगा, या ऐसा होगा तो मैं अच्छा करूँगा, वैसा होगा तो अच्छा करूँगा, ये सब ना सोचते हुए अपने मेरिट के अकॉर्डिंग करना है। किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा उलझना नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये आप 4 डेज जो आप ये आपके पास बचे हुए हैं, इनमें ये सब चीज़ें सोच सकते हैं कि इन डिफरेंट इजी सिचुएशन एंड डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस आपकी रिएक्शंस कैसी होगी। अगर आपको ये फील होता है कि पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ है तो कूल कैसे रखेंगे पेपर 2 के टाइम पर। आपको अगर ये फील होता है कि पेपर 1 बहुत अच्छा हो गया है तो पेपर 2 के टाइम पर ओवर एक्साइटमेंट नहीं हो, तो ये सारी सिचुएशंस को मैनेज कैसे करेंगे 4 दिन में, ये सोचिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब सोचने से अगेन टेंशन होती है तो कुछ मत सोचिए, देन यू फील रिलैक्स। केवल अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखिए। इन सब सिचुएशन में अपनी रैंक कैसे इन्हांस करेंगे, रैंक का क्या टारगेट था, क्या अचीव हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए, क्योंकि जितना ये सब सोचेंगे उतना आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। तो अपनी इस वक्त हमको प्रेशर रिलीज करने वाली प्रोसेस पे वर्क करना है, प्रेशर बिल्ड करने वाली सिचुएशन पे वर्क नहीं करना।
तो रिलैक्स योर सेल्फ, जो जैसे आप हैं उसी में आप बेस्ट करने की कोशिश करिए। कुछ भी चेंज करने की अपने आप को कोशिश मत करिए, जो गिवन सिचुएशंस में उसमें आप बेस्ट करेंगे। माई ऑल दी बेस्ट विशेज आर विथ यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।